और खबर आपको श्रावस्ती से बता दें, श्रावस्ती के कोना में ई रिक्शा चालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कई ई रिक्शा चालकों का कटा है चालान। इस अभियान में जिनके कागज पेपर वैध नहीं मिले हैं उन्हें किया गया है सीज। कई लोगों के पास नहीं मिले ड्राइविंग लाइसेंस, कई नाबालिग भी सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ाते हुए मिले हैं। श्रावस्ती की कोना पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है जिससे ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि रिक्शा की वजह से कस्बे के मुख्य मार्गों पर लगा रहता था जाम। इकोना थाना और संजय पार्क के पास से खाली करवाया गया रोड, लगातार मिल रही थी शिकायतें। दो दर्जन से अधिक रिक्शे वालों पर हुई है कार्रवाई। थानाध्यक्ष इकोना संतोष तिवारी ने कहा कि यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। कई बैटरी रिक्शों में नहीं मिला है रजिस्ट्रेशन नंबर। थाने के पास अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों को पुलिस ने दी है चेतावनी। आज इकोना थाने की पुलिस ने जनता को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कस्बे में अतिक्रमण हटाने को लेकर के एक विशेष अभियान चलाया, जहां पर देखा गया कि इकोना बस अड्डे से लेकर के इकोना के सरकारी अस्पताल तक ई रिक्शा की भरमार है। पुलिस ने रिक्शा चालकों से रिक्शे का कागज पेपर दिखाने को कहा, कई लोग रिक्शा छोड़ करके भाग गए। कई रिक्शे पर तो नंबर प्लेट भी नहीं मिला है और 80% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। इकोना थाने का दृश्य आपको दिखाते हैं, जहां इस वक्त 2 दर्जन से अधिक रिक्शे थाने में लाए गए हैं और सभी का कागज़ पेपर चेक किया जा रहा है, सभी का ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जा रहा है। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके पास ई रिक्शा का कागज़ पेपर नहीं है और जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको सीज किया जा रहा है। तुम्हारा उत्तम, कहाँ रहते हो? अच्छा, ये ई रिक्शा कब से चला रहे हो? रिक्शा तो 1 साल हो गया। 1 साल में तुम्हारे पास कितने साल के हो तुम? लमसम में हो गए 20 साल के। आधार कार्ड में 20 साल के हो? अच्छा, DL कहाँ है तुम्हारा, लाइसेंस दिखाओ। वो तो सर भी अप्लाई किया, पिन कार्ड अप्लाई किया हुआ। तो अप्लाई करने के बाद चलाओगे कि पहले चलाओगे? सर इतना जल्दी तो पैसा भी होना चाहिए, इसलिए रिक्शा खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? तो सर किस्त पर लिया था। कागज है गाड़ी का? जी सर। अच्छा, कितने लोग हैं आपके साथ में जिनके पास DL नहीं है? सर मैं तो चले हूँ, मेरे को नहीं पता सर किसके पास है किसके पास नहीं है। तो बिना लाइसेंस के सड़क पर गाड़ी चलाओगे? किसने कहा आपसे चलाने लिए? तो किसी ने कहा, मैं पिन कार्ड अप्लाई किया। अभी 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 आपकी गाड़ी थाने में है, क्या हो रहा है, सीज हो रही है? तुम्हारा नागेश कुमार। नागेश कुमार, कब से रिक्शा चला रहे हो? अभी सर मैं परसों लाया, सोमवार को खरीद के। तो DL है आपके पास लाइसेंस? उसमें सर आधार कार्ड में थोड़ा नाम गड़बड़ है, इसलिए नहीं हो पाया। तो रिक्शा चलाने क्या जो है सड़क पे जब बनवा लेते DL तब चलाते, अभी कोई कुचल जाए, कुछ हादसा हो जाए किसी के साथ में, कैसे पता चलेगा कि आपको गाड़ी चलानी आती है? RTO विभाग लाइसेंस जारी करता है। बताइए, नंबर है? अभी सर परसों ही लाए। इधर 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 देखो, नंबर है गाड़ी में? गाड़ी में नंबर तो है सर, लेकिन जब नंबर मिलेगा तब तो। कहाँ रहते हो? अरे भगवानपुर। क्या नाम है? नागेश कुमार। कितने लोग आपके साथी हैं जो इसे बिना नंबर प्लेट के और बिना DL के लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं? साहब अभी तो हम नहीं जाने थे, लेकिन तो वही है, तो बहुत जन हैं, बहुत लोग कहने का मतलब। अरे इसका कागज है कोई? रामचंद्र। रामशंकर, ये रिक्शा कब से चला? राजचंद्र, ये रिक्शा कब से चला रहे हैं? ये चला रहा हूँ करीब 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल में आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया? अब पढ़ा लिखा है ना, तो नाम लिखे जाने। पढ़े लिखे नहीं तो गाड़ी कैसे सड़क पे चला रहे हो? अब वो समय सब लागू भा ना, लागू भवा तब करावा जाए। मतलब 1 साल पहले DL लागू नहीं था? 1 साल पहले DL नहीं बनता था? हमको जानकारी नहीं था, हमें पता नहीं रहा साहब, अब जानकारी बनवाओ जी। और इससे पहले रिक्शा चला रहे हो सड़क पे? पहले वो पैर वाला रिक्शा, छलिया रिक्शा चला रहे थे, तो पैर काम खत्म हो गया पैर वाला, तभी हका लाना। सड़क पे आपने मील का पत्थर देखा होगा, जो पत्थर लगा रहता है, किलोमीटर लिखा रहता है, उसमें जो पीले रंग से लिखा होता है, उसका मतलब क्या हुआ? पीला रंग का लिखा पढ़े ना, तो क्या बताएगी?